प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जाने माने अर्थशास्त्रियों से मुलाकात की और इस महीने पेश होने वाले केंद्रीय बजट के लिए उनके विचार और सुझाव लिए। पीएम मोदी ने नीति आयोग और अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की है। पीएम मोदी ने इस महीने पेश होने वाले केंद्रीय बजट के लिए उनके विचार और सुझाव लिए हैं। 23 जुलाई को मोदी सरकार का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में पेश करेंगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विशेषज्ञ अर्थशास्त्रियों के साथ विचार विमर्श किया है। पीएम मोदी ने आगामी केंद्रीय बजट के लिए इन अर्थशास्त्रियों से महत्वपूर्ण विचार और सुझाव लिए हैं। इस मीटिंग में अर्थशास्त्रियों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने भी भागीदारी की है। इसमें नीति आयोग के पदाधिकारी और अन्य सदस्य भी शामिल रहे हैं। 22 जुलाई से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। केंद्रीय बजट 2024-25 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में पेश करेंगी। ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा। इससे पहले पिछले महीने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बजट को लेकर कहा था कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार इस बार दूरगामी नीतियों के साथ बजट पेश करेगी। इसमें प्रमुख आर्थिक और सामाजिक सरोकारों के साथ कई ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। केंद्र सरकार ने साल 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार का फोकस आम बजट के जरिए विकसित भारत का रोडमैप तैयार करने का है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।